हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खस्ता कचौड़ी में भरने वाले दाल की रेसिपी। तो गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें डालेंगे सरसों का तेल। उड़द दाल को मैंने रात भर भिगो दिया था, धो लिया है, इसको मैंने एक छलनी में निकाल दिया है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। तेल हमारा गरम हो गया है तो डालेंगे दाल। गैस को मीडियम रखेंगे। इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, साबुत सौंफ, साबुत धनिया, हींग थोड़ी ज़्यादा डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, गैस को सिम कर लेंगे। दाल को हमें इतना भूनना है कि जो दाल में जो पानी है वो सूख जाए। तो दाल हमारी भून चुकी है, गैस को बंद कर देंगे। इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर, अच्छी तरह से मिलाएंगे और दाल को ठंडा होने देंगे। दाल हमारी ठंडी हो चुकी है तो इसे मिक्सी के जार में डालकर इसको हमें पीसना है। तो दाल हमारी पीस चुकी है, इसे ज़्यादा मोटा नहीं रखना, थोड़ा दरदरा सा पीसना है। तो हमारी खस्ता कचौड़ी में भरने वाली दाल का मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।